24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ कांची बजाज। खबर छतरपुर से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग का दलित समाज की शादी में गुंडागर्दी करने का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। आज सम्यक समाज संघ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं करने के खिलाफ सम्यक समाज संघ ने एसपी ऑफिस में धरना देकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ये मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो पिस्टल से दलित की शादी में फायर करने वाले आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं नहीं लगाई हैं और मांग की है कि यदि जल्द ही शालिग्राम की गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है तो फिर उनका संघ पैदल भोपाल तक जाएगा और प्रदर्शन करेगा। वहीं एसपी का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने जिस तरह से बयान दिए गए उसी तरह से मामला दर्ज किया है। यदि वायरल वीडियो की ओरिजिनल वीडियो मिलती है तो इस मामले में और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। जी आपका परिचय? मैं सुनील बैरसिया, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बिजली भार में। किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आप छतरपुर आए हुए? देखिए, आज हम लोग छतरपुर आए हैं। एक 11 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जो हम तक पहुंचा 13 तारीख को, और हम लोगों ने यहाँ की टीम को अवगत कराया। माननीय दिपदीन अहिरवार, अनिल वर्मा जी, चंदन अहिरवार, जितेंद्र मूलचंद जी, इन सब लोगों को, और जो लोग भाग गए वहाँ जाकर देखा कि भाई उन लोगों की कार्रवाई नहीं हो रही है। जब पता चला तो वीडियो यहाँ के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके भाई का है, जो कि एक दलित परिवार की शादी में जा कर के बंदूक फायर कर रहे हैं भाई, वहाँ जो है उत्पात मचा रहे हैं। तो बामुश्किल जा कर के इन लोगों ने वहाँ कार्रवाई कराई। जब प्रशासन ने कार्रवाई की तो वो भी जो है गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं हुई है, केवल एक्ट के तहत उन्होंने कार्रवाई की है, और जबकि उसमें जो नियम से 307, 25, 27 जो धारा लगना था वो भी नहीं लगाई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग आगे जो है पीड़ित परिवार उससे मिलेंगे और मिल करके उनसे जानेंगे उनकी किस कंडीशन क्या है, किस प्रकार का दबाव है। अभी भी एक न्यूज भी मिली है मुझे कि वहाँ पर जो है पानी पीने के लिए जो हेडपम्प था उस पर चाहे ताला वाला उन्होंने लगा दिया है, पानी पीना बंद कर दिया है उनका पानी भरना। तो वो भी हम लोग जा करके वहाँ मावना लेंगे और वहाँ लौट करके फिर दोबारा हम लोग यहाँ के जो कमेटी हम उनसे बात करेंगे। पुलिस किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए, अभी तक देखिए पहली बात तो केवल एक्ट अकेला लगाया उन्होंने, 25, 27 कार्रवाई नहीं की है। जब इकट्ठे से फायर किया तो 307 के तहत धारा मुकदमा दर्ज होना था, और अभी तक उनकी इस तरह का जो है संगीन अपराधी जो है सरेआम जो है बंदूक चला रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पुलिस को अरेस्ट करना था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। मेन उद्देश्य तो हमारे को अरेस्ट किया जाए, उन पर नियमगत तरीके से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा आकाश अहिरवार नाम है। कहाँ के रहने वाले? हटकुआ का रहने वाला हूँ। कहाँ शादी हुई है आपकी और क्या घटना हुई? मेरी शादी ग्राम गढ़ा में हुई है। शादी 11 फरवरी को थी। हम लोग जब बारात लेकर अटकुआ से गढ़ा पहुँचे तो आधा घंटे के बाद खाना पीना चालू हो गया था। खाना खा रहे थे सब लोग, कुछ लोग रह गए थे खाना खाते समय, बाकी राई का प्रोग्राम चालू हो गया था और डीजी में भी राई बज रही थी। उसके बाद शालिग्राम जी आए, उन्होंने जाति सूचक गालियाँ, मतलब जाति सूचक शब्द व कुछ गंदी गंदी गालियाँ दी। उन लोग उनके हाथ में एक पिस्टल थी और 3-4 मतलब 2 या 3 फायर किए उन्होंने, जो देखा था। फिर उसके बाद जो भी उनको रोक रहा था कि महाराज ऐसा ना करो, तो उनको ही मार रहे थे वो लोग।
कितने लोग थे वो? मतलब मार तो एक शालिग्राम ही रहा था, बाकी उनको रोकने के लिए थे 4-5 लोग, लेकिन वो उनके रोक के नहीं रोक रहा था। क्यों कर रहे थे ये सब, क्या वजह थी? वजह ये है कि जो 18 तारीख को सामूहिक विवाह होना था बागेश्वर धाम में, जो प्रोग्राम था बागेश्वर, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने घर में पहुंचाई थी खबर के वहाँ पे शादी कर लो। हम लोगों ने गाँव में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और OBC जैस और गोड़वाना पार्टी, कई लोग, सभी कई पार्टियों के लोग गए थे और वहाँ करीब 500-600 मोटरसाइकिल रहा, 50-60 वाहन, मतलब 100-150 करीब 150 वाहन, 150 से ज़्यादा कुछ वाहन बड़े बड़े थे। और वहाँ हमने पीड़ित परिवार से मिले तो उन्होंने पूरी चीज़ बताई कि पिस्टल लिए थे, मारा पीटा हमको। और उस दिन हम इसलिए नहीं बोल सकते थे कि अकेले क्या कर सकते हैं, वहाँ इतनी फोर्स है कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर DGP भी हूँ और मैं डाकू की चंगुल में घुस जाऊँ और डाकू कहे जैसा कहूँगा वैसा कहूँगा, मैं कह दूँगा चपरासी हूँ, मैं कह दूँगा आपका चेला हूँ, भाई कहना पड़ेगा, चूँकि स्वयं की ज़िंदगी तो उसको बचाना है। इसलिए पीड़ित परिवार ने पूरी चीज़ बताई और उसमें 307 का मुकदमा होना चाहिए, 25-27 का भी मुकदमा होना चाहिए, और जो अंदर घुस के मारा गया है उसको 452 का भी मुकदमा होना चाहिए, और जो SC ST के मतलब एक्ट है, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ महिलाओं को इतनी बुरी तरह से मारा है अंदर कि जिसको कहा नहीं जा सकता, वो अपने स्थान भी नहीं दिखा सकती है, और ये निंदनीय काम है। और अगर इस पर तत्काल गिरफ्तार नहीं करते माननीय SP साहब, और हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे गिरफ्तार करो अगर आंदोलन नहीं चाहते, और नहीं इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा जो आज तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, जो छतरपुर के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा, पूरे भारत के लोग आएंगे। और जो भोपाल में कार्यक्रम 5 लाख का हुआ है, यहाँ 5 लाख बनेगा नहीं आदमी छतरपुर के अंदर। एक और मामला है,